दोस्तों राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो ये देखिए मेरा मतलब आज मैं सिर धोई हूँ बालवा, तो थोड़ा टाइम हो गया है और पूजा रूम भी साफ करना था, तो उसी की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। नाश्ता वगैरह हो चुका है, सुबह ही नाश्ता अब मैं बना देती हूँ, क्योंकि काम करना होता है, मम्मी जी या पापा जी को जाना पड़ता है खेत में, इसी वजह से सुबह ही नाश्ता बना देती हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं है। बस खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। तो मेरा चावल बन चुका है, एक तरफ मैं साग छौंक दी हूँ बनने के लिए। अब मैं जा रही हूँ आलू चने की सब्जी बनाने। तो रात को ही भिगो के रख दी थी ये चने को, और इसको एक दो सीटी लगा दी हूँ, बॉईल हो चुका है। और आलू भी मैश कर दें ताकि ग्रेवी गाढ़ी रहे। और गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो अभी डुगू के पापा लेके आए हैं गरम मसाला। इधर टमाटर भी कट करके रख दी हूँ बारीक, और प्याज भी। अब जा रही मसाले का पेस्ट भी तैयार करने। तुम गरम मसाला नहीं था इसलिए मसाले का पेस्ट तैयार नहीं करी थी। अब मैं जा रही हूँ फटाफट तैयार करने। जब तक मैं प्याज डाल देती हूँ, जब तक ब्राउन होता है तब तक मैं मसाले का पेस्ट तैयार कर लूँगी फटाफट से। और एक तरफ मेरा साग बन ही रहा है, और आटा गूंथ के मैं रख दी हूँ, तो ये सब्जी छौंकने के बाद फिर जब तक साग बन जाएगा मेरा, तो रोटी भी फटाफट पका दूँगी। आज नाश्ता भी बनाना है, और क्या बनाना है ब्लॉग में बने रही है, आज बहुत काम है। ओके, खाना बनाने के बाद मिलती हूँ। तो जब तक इधर मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, तो मैं मसाले का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। आज नमक भी ख़त्म हो गया था, इस डब्बे को भी धोना है, डब्बा धो दूँगी तभी मैं नमक ऐड करूँगी। और हल्दी भी, इसका भी डब्बा धोना है, दोनों डब्बा मतलब आज ख़त्म हो जाएगा। हल्दी भी और नमक भी दोनों डब्बा धो दूँगी तब इसमें हल्दी नमक डालूँगी। मतलब जब जब ख़त्म होता रहता है ना सामान, तो मैं धो के फिर उसी में डालती हूँ, ताकि ऐसे डब्बे साफ भी रहे और देखने में भी अच्छे लगे। चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा खाना वगैरह बन चुका है, सभी लोग खाना पीना खा के अपने अपने काम से चले गए हैं। तो पापा जी बोले थे जाना लोगों के लिए, नाश्ता बना के तैयार रखी रहो, मैं अभी आ रहा हूँ दो मिनट में। तो एक तरफ मैं चाय बैठा दी हूँ, एक तरफ मेरा दूध गर्म हो रहा है। तो दूध गर्म होने के बाद मैंने चाय में थोड़ा सा दूध डाल दी हूँ, और एक दो उबाल आने के बाद फिर जो मैंने अदरक कूटा है वो डाल दूँगी, नहीं तो पहले डालने से चाय फट जाती है, इसी वजह से मैं पहले नहीं डालती हूँ। तो उबाल आने के बाद तभी मैं डालूँगी एक दो। तो इधर मैंने घुघनी बना के रख दी थी, तो घुघनी बन चुकी है, तो मैं बर्तन में निकाल लूँगी सारे घुघनी को। और तो चाय बनने के बाद सारी चीज़ें मैं पैक करके दे दूँगी पापा जी को। तो इधर दूध मेरा अच्छे से उबल चुका है, तो गैस को ऑफ़ कर दूँगी, और इधर मेरा चाय भी बन चुका है, तो इसे थर्मस में छान लूँगी, और छान के सब कुछ पैक वैक करके मम्मी जी का लंच भी टिफ़िन पैक कर दूँगी, और पापा जी भी अभी आएंगे दो तीन मिनट में, तो उन्हें दे दूँगी। तो सारी चीज़ें मेरी तैयार है। तो ये देखिए घुघनी बड़ी टेस्टी बनी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए चाय भी मेरा बन ही चुका है, तो अभी मैं जस्ट अदरक डाली हूँ, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। आज मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, एक कुछ भी सफाई नहीं हुई है, किचन भी ऐसे ही फैला हुआ है, मेरा रूम भी ऐसे ही फैला हुआ है। आज इतना काम था, मैं कुछ नहीं कर पाई, तो फटाफट नाश्ता बनाने के बाद पापा जी को दे दी थी, तो फिर मैं किचन साफ़ करी फटाफट। किचन साफ़ करने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोई, बर्तन धोने के बाद फिर तुरंत आ गई मैं अपने रूम में, तो मेरा रूम भी ऐसे ही फैला हुआ है। तो मैं सोची चलो पहले मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के लगा देती हूँ, और कल जो मैंने कवर लगाई थी कंबल में उसे बिछा देती हूँ अच्छे से, और देखते हैं कैसा लगता है बिछाने के बाद। आप सभी भी ब्लॉग में बने रहिए। तो पहले मैं ये चादर वगैरह हटा के इसे झाड़ दूँगी, और डुग्गू भी मेरे साथ हेल्प कर रहा है, मम्मी मैं भी करवा रहा हूँ आपके साथ। मैं बोली ठीक है बेटा करवाओ, तो इधर उधर बस घूम रहा है।
तो मैं कह रही बेटा आप दूर ही रहो, मैं अकेले ही कर लूँगी अपना काम। तो उसको मैं बोली बेटा जब मेरा अच्छे से बेडशीट वगैरह लग जाएगा तब ऊपर चढ़ना है। तो वो मानने वाला कहाँ है, मेरे को डिस्टर्ब करता ही रहता है वैसे। तो मैं सारे गद्दे वगैरह नीचे हटा के पहले बेड को मैं अच्छे से साफ़ करी। साफ़ करने के बाद फिर गद्दे को पहले देखूँगी कि मेरा गद्दा बेड़ियाँ टाइप का था। अब मैंने लंबा में रख दी हूँ तो मैं चेंज करती रहती हूँ, तो जैसे मेरा मन करता है वैसे वैसे मैं गद्दे लगा देती हूँ। तो मैं सोची चलो मैं गद्दे झाड़ी हूँ तो दूसरे स्टाइल में लगा देती हूँ। तो मैं फिर ऐसे लंबे में लगा दी हूँ, और ये जो मैं कल कवर बनाई थी तो इसके ऊपर खोल मैं लगा चुकी हूँ। तो देखते हैं बिछाने के बाद कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी को कैसा लगा बताइएगा। तो बनने के बाद तभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, पहले अच्छी नहीं लगती है। ऐसा लग ही नहीं रहा है ये, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बेडशीट ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं बिछाएंगे। फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं ऐसे ही बिछा के फिर पिल्लो कवर जो बनाई थी उसको भी लगा दी थी पिल्लो में, और फिर ऐसे ही सजा दी थी। तो फिर मैं देखी तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं सोची अभी तो ठंडी का मौसम है इसी वजह से, तो इसके ऊपर गर्म बेडशीट वगैरह मैं बिछा दी थी। तो पहले मैं ऐसे बिछा के फिर आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, तो बताइएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। तो देखिए मैं अब मैं फटाफट पिल्लो कवर लगा दूंगी, दो ही मैं बनाई थी। तो लगाने के बाद मतलब साइज़ भी ठीक ही मैं बनाई थी, बिना साइज़ का मैं छत पर थी तो मैं बिना साइज़ का ही ऐसे काट के बनाई थी। तो लेकिन ठीक साइज़ हो गया था, मतलब ना ही बड़ा था ना ही छोटा था, परफेक्ट बनाई थी मतलब कि। तो ये देखिए दोनों पिल्लो में मैं लगा दूंगी। इधर डुग्गू चला गया है अपने बाबा के साथ खेत में, तो अभी आए थे कुछ काम के लिए पापा जी, तो फिर वो देख लेगा तो वो पीछा छोड़ने ही वाला नहीं है किसी का भी, तो जाके ही मानता है। तो फिर वो चला गया है, तो मैं आराम से अपना फटाफट काम कर रही हूँ। तो ये करने के बाद मेरे को झाड़ू भी लगाना है और थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह है वो भी करना है। तो करने के बाद तभी फिर मैं आराम से कोई काम कर पाऊँगी, मतलब रेस्ट कर पाऊँगी। तो बस मेरे को अब झाड़ू ही लगाना है, वैसे सारा काम मेरा हो चुका है। तो फिर मैं छत पे जाऊँगी, रील्स और शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाऊँगी। तो फिर आप सभी से मिलते हैं। तो देखिए मेरा पिल्लो कवर लग गया है आप लोगों से बात करते करते, तो आप लोग बताइएगा। आज मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ अजीब सा है, मतलब गले में हल्का सा थोड़ा सा खराश टाइप का हल्का सा दर्द भी है। तो ये सारा काम करने के बाद तो फिर मेरे को डुगू का नेल्स भी काटने हैं, उसके नेल्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, मेरे को भी मेरे भी नेल्स बड़े हो गए थे। तो ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद डुगू के नेल्स काटूंगी और फिर अपने भी नेल्स काटी थी। तो ये सारा करने के बाद तभी मैं फिर छत पे गई थी, ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही आराम से, मतलब सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं आराम से बिंदास होके कोई काम अपना करती हूँ, ताकि कोई डांटे नहीं बोले नहीं ये कि सारा काम छोड़ के ये सब करने बैठ जाती है। इसलिए कितना भी टाइम लगे मैं सारा घर का काम फिनिश करके ही कोई काम अपना करती हूँ, ताकि मेरे को बाद में डांट ना मिले इसी वजह से। और बाद में ये इसके ऊपर मैं पिल्लो कवर लगा दूंगी, मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा था इसी वजह से मैं इसके ऊपर पिल्लो कवर नहीं लगाई। बाद में मन करेगा तो इसके ऊपर से लगा दूंगी, तो अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगी। और ये पतला वाला कंबल भी मैं चद्दर बिछा दी हूँ इसके ऊपर। तो ये देखिए आप सभी ब्लॉग में बने रहिए, पूरा ब्लॉग वॉच कीजिए। इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। फुल वॉच कीजिएगा छोटे बड़े, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। ओके।